फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। मैं थैंक यू इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए चैनल के। सब्सक्राइबर तो नहीं बढ़े हैं भाई, छोटा चैनल है, आप लोग ना शेयर करते हो ना किसी को बताते हो चैनल के बारे में, तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। तो उसके लिए थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ। मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि कल मैंने आपको मेरा दुख बांटा, मेरा पेन बताया आपको कि व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट ब्राइटकॉम ग्रुप, कि ये शेयर मिलता नहीं है। उसके लिए बहुत दुखी था मैं, फिर भी मैंने कल हिम्मत करके एम ऑर्डर में लगाया था। और आप सबकी दुआ में, जैसे आपने दुआओं में याद रखना, मैंने आपको बोला था मनी मन, तो आपने ज़रूर मुझे अच्छी दुआ दी होगी और उसका फल मुझे आज मिला और मुझे 400 शेयर आज मिल गए ब्राइटकॉम ग्रुप के। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी एंड थैंक यू टू यू, बिकॉज आप लोगों को मैंने दुख बांटा तो आप सबने ज़रूर कहा होगा भगवान से, अल्लाह से, कि भाई प्लीज़ इनको ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर दिला दो, भले हमें मत दिलाओ। तो इसीलिए आप सबको थैंक यू बोल रहा हूँ मैं, कि आप सबने मेरे लिए दुआ की और मुझे आज 400 शेयर मिल गए। और आई होप कि आप लोगों को मिले होंगे, किसी को नहीं मिले होंगे पता नहीं। आप पर मैंने कहा ना कि लगाते रहो एमओ में, लगाते रहो, हम होंगे कामयाब, एक दिन ज़रूर मिलेगा हमें ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। आइए बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में कि आज इसमें क्या क्या हुआ। फ्रेंड्स, आज ये बीएससी में करीब करीब 16 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। बीएससी में ज़्यादा हुआ सरप्राइजिंगली, जनरली एनएससी पे ज़्यादा होते हैं, पर आज बीएससी पे हुए 16 लाख और एनएससी पे हुए 9 लाख शेयर्स। तो ऑल टुगेदर अराउंड 25 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है, बीएससी पे आज सेलिंग काफ़ी आ गई थी। सेलिंग आने के कारण ये थोड़ा 185 तक भी गया था कुछ टाइम के लिए, और फिर से बाउंस बैक करके 188 पे क्लोज हो गया, अपर सर्किट में क्लोज हो गया। बट सेलिंग ज़्यादा आई बीएससी पे, इसीलिए बीएससी का वॉल्यूम आज हमें ज़्यादा दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू एनएससी। तो थोड़ा सा ये हो गया था, थोड़ा डर गए थे सब लोग कि फिर से आज लोअर सर्किट लगेगा या क्या होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, फिर से अपर सर्किट में क्लोज हुआ। अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है बीएससी पे भी और एनएससी पे, तो पॉजिटिव बात है। बट फ्रेंड्स, एक्चुअली देखा जाए तो अभी भी कुछ लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। आई थिंक दे शुड नॉट सेल। मैं बार बार कहता हूँ कि होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है, थोड़ा बहुत गिरा भी तो और बाय करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि बेचने की। क्योंकि देखिए, इसमें काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स सब बता चुका हूँ मैं आपको, बराबर आप पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उस बारे में, आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि FII ने भी इसकी होल्डिंग बढ़ाई है, ये दिसंबर क्वार्टर में 0.38 से 1.87 कर दिया है। तो FII ने भी स्टेक बढ़ाया है, और 1% बढ़ाना BCG जैसे कंपनी में तो बहुत पैसा लगता है, इतना आसान नहीं है, तो वो भी बढ़ाया है अराउंड 1.5% स्टेक। तो दैट इज़ पॉजिटिव थिंग फॉर ब्राइटकॉम ग्रुप। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी, दिसंबर क्वार्टर आने के बाद इसमें FII का और DII का स्टेक और बढ़ने की उम्मीद है। तो इसीलिए आप बेचने की जल्दबाजी ना कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग की मत सोचिए, थोड़ा बहुत गिरा भी तो डरना नहीं, उल्टा बाय करना, यही स्ट्रैटेजी रखिए। क्योंकि बाद में हम लोग ज़रूर होते हैं, फिर बाद में एमओ ऑर्डर लगा के थक जाते हैं और मिलता नहीं है। मुझे तो आप लोगों की सब बेस्ट विशेस है, आज मिल गए 400 शेयर, सो थैंक यू वंस अगेन। एंड फ्रेंड्स, एक ही बात इसमें मुझे लगती है कि देखिए, एक तो इसका RSI 62 पे है, तो भी कंफर्टेबल RSI है, तो इसीलिए थोड़ा ऊपर जाने की उम्मीद तो है ही अभी। तो दो ट्रेडिंग सेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये दो ट्रेडिंग सेशन को अपर सर्किट लगा देता है तो वो 207 पे पहुंच जाएगा, तो फिर से उम्मीद हो जाएगी कि इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके आगे निकल जाएगा, तो इसमें नई रैली देखने को मिल सकती है, वो 220 या 250 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। बट देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। मार्केट आज थोड़ा सा वीक लग रहा था, आज मार्केट में सुस्ती थी, वॉल्यूम भी कम हो गए सब शेयर्स में, तो एक आध बार करेक्शन भी आ सकता है मार्केट में। हाँ, पर अगर हेवी करेक्शन आया तो ब्राइटकॉम ग्रुप में भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यह इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट भी पॉजिटिव है थोड़ा सा, और बाइंग चलती रहे BCG में। 3 ट्रेडिंग सेशन बाकी है अभी, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपर सर्किट लगाया तो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके आगे निकल जाएगा, तो नया ब्रेकआउट हो जाएगा उसके लिए, और हमें उम्मीद हो जाएगी कि 250 के लेवल को टच करने के लिए आगे निकल सकता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी कंपनी तो शानदार है, आप सब लोग तो एमओ ऑर्डर लगा के बाय करने की कोशिश कर ही रहे होंगे। आज ही मैंने एमओ ऑर्डर लगाया है, देखते हैं कल मिलता है कि नहीं, आई डोंट नो। आज मिल गया, पर पूरी क्वांटिटी नहीं मिली, थोड़ी मिली मुझे। आई हैड पुट एमओ ऑर्डर फॉर मोर, बट 400 ही मिली, ज़्यादा नहीं मिले, पर कोई बात नहीं, जितने मिले उतने ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट। क्योंकि आज ऐसा से कि मैं हर लेवल पर बाय करने की कोशिश करता हूँ, गिरता है जब मेरी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जब बढ़ते रह जाए, जब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करता हूँ, बट गिरता है जब जरूर ज़्यादा कोशिश करता हूँ बाय करने की, बिकॉज दैट इज़ द राइट टाइम टू बाय ब्राइटकॉम ग्रुप। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वंस अगेन, दिस शेयर इज मच बेटर देन एनी अदर शेयर्स। एंड चलता जरूर है अपर सर्किट लोअर सर्किट में, थोड़ा सा टेंशन जरूर होता है सबको,
बट फ्रेंड्स इट इज़ बेटर देन अदर शेयर्स, फंडामेंटल इज स्ट्रांग ऑल्सो, फ्यूचर इज ब्राइट. एंड इफ यू कंपेयर विद शेयर्स लाइक डेसीपर लैब्स एंड दिस TTML, तो दिस इज मच बेटर. डेसीपर लैब का तो वीडियो मैंने आपको बना के बताया, जरूर जाके देखिए कि प्रोमोटर्स ने सब इन्वेस्टर लोगों को कैसे उल्लू बनाया है एंड हाउ दे आर प्लान फॉर द हाइक ऑफ देयर शेयर्स. उसका शेयर मैंने डाला है डेसीपर लैब फ्रॉड, तो उसको आप जरूर जाके देखिए. कल ही डाला है मैंने वीडियो को, क्योंकि मैं सावधान करना चाहता हूँ कि ऐसे झांसे में आना नहीं है, ऐसे ट्रैप में हमें फंसना नहीं है. जो प्रोमोटर लोग बनाते हैं ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं हम लोग, बाद में पछताते हैं. अभी काफ़ी लोग अटके हुए हैं डेसीपर लैब में, तो थोड़ा संभाल के रहिए और बढ़ता भी फिर भी बात लेने की कोशिश मत कीजिए. बिकॉज मैंने वो कैसे उन्होंने ट्रैप किया है उसकी वीडियो में पूरा मैंने बताया है इन डिटेल. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो डेसीपर लैब के बारे में. सो फ्रेंड्स, प्लेटकॉम ग्रुप इज गुड शेयर, वॉट एवर दे से दे डू. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि डेसीपर लैब वालों ने सिर्फ डिक्लेयर किया कि दे आर गोइंग टू एक्वायर सम IT कंपनी इन USA, सिर्फ वो लेटर के ऊपर वो कंपनी डबल ट्रिपल हो गई. बाद में ना कोई अपडेट आया ना कोई हलचल आया, उल्टा प्रोमोटर लोगों ने अपना करीब करीब 13% शेयर जो स्टेक है अराउंड 142 रुपीज़ में बेच के निकल गए प्रोमोटर लोग. तो ये होता है सब बाकी कंपनियों में. ब्राइटकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट ऐसा नहीं है, जो बोलता है वो करता है. सो हैव फेथ. TTML का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, दुनिया भर का डेट है और दुनिया भर के उसके ऊपर कुछ सेल नहीं है, प्रॉफिट दुनिया भर का लॉस है, पर फिर भी भाग रहा है. कोई अच्छी बात है भाई, ऑल द बेस्ट. पर मेरी तो हिम्मत होती नहीं TTML लेने की, क्योंकि पता नहीं बाद में क्या हो जाए, फिर लोअर कुछ बैड न्यूज़ आ जाएगी उनका कुछ नहीं हुआ तो फिर से. बट ठीक है होप ए टाटा कंपनी है तो दे मे परफॉर्म, तो ये न्यूज़ के ऊपर वो शेयर चल रहा है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर TTML ऑल्सो. बट एज फार एज ब्राइटकॉम ग्रुप इज कंसर्न, आई फाइंड इट मच बेटर स्टॉक देन एनी अदर स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट. सो स्टिक विथ इट एंड होल्ड ऑन टू इट, डोंट सेल एंड कीप बाइंग ऑन एवरी लेवल. लेट इट बी लो, लेट इट बी हाई. थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी इन्वेस्टिंग.